हेलो फ्रेंड्स, मैं साइली, साइलीज रेसिपी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं शिमला मिर्च की सब्ज़ी। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए हमने एक प्याज लिया है, कुछ खड़े मसाले लिए हैं, उसमें तेज़पत्ता, दालचीनी और लवंग ले लिया है, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट और टमाटर प्यूरी। शिमला मिर्च को हमने बारीक काट कर लिया है और प्याज को भी बारीक काट कर लिया है। एक पैन में हमने तेल ले लिया है, इसके अंदर अब हम शिमला मिर्च को ऐड कर देते हैं। शिमला मिर्च को हमें तेल में थोड़ा सा फ्राई कर देना है। इसके साथ ही साथ हमें प्याज को भी ऐड कर देना है और इसे भी हमें थोड़ा सा फ्राई कर देना है। इसे अब हम 2 से 3 मिनट तक ढककर रख देते हैं। अब यह हमारा थोड़ा सा पक चुका है, इसे निकाल देते हैं। इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल ले लेते हैं और इसके अंदर खड़े मसाले को ऐड कर देते हैं, साथ ही साथ प्याज को भी ऐड कर देते हैं। प्याज को हमें हल्का ब्राउन कलर आने तक भून देना है। हमारा प्याज अब अच्छी तरह से भून चुका है, इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट और मसाले ऐड कर देते हैं। अब मसालों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। अब इसमें हम टमाटो प्यूरी को ऐड कर देते हैं। इस प्यूरी को हमें मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। इसके अंदर अब हम प्याज और शिमला मिर्च को ऐड कर देते हैं। स्वादानुसार नमक डाल लेते हैं। हमारी सब्जी अब रेडी हो चुकी है। इसे अब हम सर्व कर देते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।